तो ये वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। अभी गाड़ी वॉश करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरिया है ना थोड़ा सा कम पड़ता है बिकॉज़ डोर्स ओपन करने के लिए प्रॉब्लम होता है। ये साइड से तो एकदम कट टू कट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये इनोवा को ये एरिया मैं लेके आऊँगा ना तो उतना एरिया और इतना मतलब डोर आसानी से ओपन हो जाता है और उधर से डोर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आके मैं उसको फिर मतलब इनोवा को यहाँ पर लाके उसको वॉश कर दूँगा। सो दैट विल बी मच बेटर। कारपेट पे जब भी मिट्टी जम जाती है तो वो निकालने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सो एक जुगाड़। ये मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ये कपड़ा धोने का ब्रश है, इससे आप जो भी है मिट्टी निकाल सकते हो। अभी तो मैंने साफ कर दिया है, बट ये अच्छा आइडिया है। मेरा एक फ्रेंड है जो लैमिनेशन का काम करता है, उसने मुझे बताया था। तो सबका अलग अलग तरीका रहता है गाड़ी वॉश करना। मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट पहले धोता हूँ, फिर उसको पोंछता हूँ, फिर एक पार्ट, तो उसके ऊपर वो दाग नहीं रहता है पानी का। कोई कोई लोग डायरेक्ट पाइप यूज़ करते हैं, या फिर डायरेक्ट पूरा गाड़ी को पहले धोते हैं फिर पोंछते हैं। सो सबका तरीका अलग अलग रहता है। ये इसका होने के बाद ये भी वेट कर रही है, ये भी गंदी हो गई है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने इम्यूलेटर डाउनलोड किया है ब्लू स्टैक्स, तो इससे मैं थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलूँगा और इससे मैं स्ट्रीमिंग करके देखूँगा कि कैसा लगता है। उतना चाहिए उतना ठीक तो नहीं चल रहा है, बट कोशिश करके देखते हैं। जब से मैंने वो ब्लू स्टैक्स डाला है ना, ब्लू स्टैक इम्यूलेटर, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। कुछ भी ओपन करना रहेगा, अभी गूगल क्रोम पे क्लिक किया, कितना स्लो लोड हो रहा है। वो एम्यूलेटर, इतने अच्छे गेम्स चल रहे हैं, एम्यूलेटर क्या है, इतना सा चिंदी और साला मेरा लैपटॉप इतना स्लो कर दिया है। दूसरा एम्यूलेटर सर्च करना पड़ेगा। इवन में ये देखो विंडोज़ का अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। इवन कुछ भी करने जाऊंगा ना तो बहुत स्लो चल रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना। सो दूसरा वाला एक इम्यूलेटर है,
नॉक्स NOX, वो एक ट्राई करके देखते हैं। ये नॉक्स कितना स्लो चल रहा है यार, ये ब्लू स्टैक थकेला साला। ये नॉक्स प्लेयर है, एटलीस्ट ये तो अच्छा चल जाए। अभी देखो मैं यहाँ से ये ब्लू स्टैक्स का विंडोज़ ओपन करता हूँ, कितना अभी तक नहीं ओपन हुआ है, ये इतना टाइम लग रहा है। पूरा मेरे लैपटॉप को थर्ड क्लास बना दिया है इसने जब से ये इंस्टॉल किया तब से। अभी इमरजेंसी में मैंने वो इंस्टॉल किया एम्यूलेटर। अभी नॉक्स प्लेयर एम्यूलेटर ट्राई करके देखते हैं। मुझे ना अभी तक कैमरा पकड़ने बराबर से नहीं आता, मतलब कैमरा पकड़ने आता है बट वो लाइट्स जो आती है ना कभी कभी मतलब अंधेरा पड़ जाता है मेरे चेहरे पे। बस वही मुझे, मैं भूल जाता हूँ, बस कैमरा चालू करो और व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। बट ठीक है, आगे आगे जब भी, अभी तो नॉर्मल सादा एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड ने दिया है। आगे आगे जब भी हो जाएगा तभी देखेंगे, क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे क्वालिटी बढ़ेगी। ओके, और ये जो मेरी मामा की गाड़ी है महिंद्रा क्वांटो, गाड़ी तो वैसे अच्छी है लेकिन इसमें जो लास्ट में बैठता है ना पीछे, उनको एसी की हवा पहुंचती नहीं है। ये पहले से स्टार्टिंग से, जब भी नई ली थी ना गाड़ी तभी से। इवन मेरा कजन भाई भी वही बोला कल कि जो लास्ट में बैठते हैं, लास्ट में उधर दो सीट्स भी अवेलेबल है, उन तक मतलब वो एसी की हवा नहीं पहुंचती है। मैं बैठा हूँ एक बार, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ, उसका जो 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 रूल है अपने अपने गवर्नमेंट का जो रूल है, ट्रैफिक रूल है, कि गार्ड नहीं चाहिए, गार्ड सेफ्टी के लिए रहता है। मुझे पता नहीं ये क्यों रूल निकाला कि उसको हटा दो, बट ठीक है, तो उसको हम हटाने जा रहे हैं अभी। वो बीच में दिल्ली का एक केस हुआ था बहुत साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। उसके वजह से जो फिल्म्स रहती है, कांच पे फिल्म्स रहती है, ब्लैक कलर की फिल्म, सिल्वर कलर की फिल्म, उसको हटा दिया। वो एक नया रूल निकला था। मैं दूसरा दिन शिरडी जा रहा था और रात को कुछ 10:30 बजे वो ऐसे न्यूज़ आई कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि कल से कांच पर के जो फिल्म्स रहते हैं वो अलाउड नहीं है। और मैं दूसरा दिन जा रहा था शिरडी, तो मैंने क्या किया, रात को 10:30 बजे न्यूज़ देखी और वही टाइम पे फटाफट फटाफट निकालना चालू कर दिया। क्योंकि मैंने मतलब देखा था कि पुलिस लोग जो है वो ब्लेड्स ब्लेड्स या कटर्स लेके इसे कांच पे घुमा रहे थे और वो फिल्म निकाल रहे थे। तो मैंने बोला यार अपनी गाड़ी की तो पूरे कांच की वांदे हो जाएंगे। तो मैं वो दिन वो रात में 1 घंटा लिया, बट वो मैंने फिल्म निकाला पूरा, मेरे कांच मेरे का मेरे इनोवा पे सिल्वर कलर की फिल्मिंग थी और क्या लगती थी वो टाइम पे, वाह। मतलब मेरा जो एक फ्रेंड है राहुल, उसका है रेडियम का शॉप है, मतलब वो नंबर प्लेट्स और वो सब बनाता है, उसने मुझे वो एडवाइस किया था सिल्वर कलर की फिल्मिंग, और क्या मस्त लगती थी गाड़ी। मेरी इनोवा भी सिल्वर कलर की और ऊपर से फिल्मिंग भी सिल्वर कलर का, मस्त लगती थी गाड़ी। बट बाद में ये रूल निकाला ना, उसके बाद पूरा कोची हो गया कोची। और कल मॉर्निंग जाना है मुंबई, और बीच में कोरोना के न्यूज़ आना बंद हो गए थे, अभी फिर से चालू हो गया दिवाली के बाद। समझ रहे हो ना, सतर्क रहो, लॉकडाउन फिर से हो सकता है।
तुम लोग के ऊपर ना फिल्म बनाऊंगा मैं, देख लेना। रिंकू कहाँ पे? बाहर ही जाते हैं हमेशा। गाड़ी कैसे लगाऊं? ऐसे लगाओ सीधा। अभी तुम लोग का वीडियो डालता हूँ, रुक। गार्ड बराबर से निकाल के बताओ नहीं तो पूरा जंग लग गया है। अरे जब से गाड़ी लिया है तभी से है वो गार्ड। और अभी वो दिन, मतलब ये मुंबई का गाड़ी है, मेरा मामा का गाड़ी है, तो मुंबई में ये सब तो नहीं चलता ना। अरे हाँ ना, तो वो दिन पुलिस ने पकड़ा तो उसने ना 1000 रुपया फाइन कुछ बोला। ये चालू रहेगा, उसका टेंशन मत ले। उसने 1000 रुपया कुछ फाइन बोला, तो एक दो दिन के बाद फिर गाड़ी इधर आ गई, तो बोले कि इधर तेरा कौन रहेगा पहचान का, तो निकाल ले। अभी ये गार्ड तो चाहिए ना रे, सेफ्टी के लिए। हाँ बट तो भी सेफ्टी के हिसाब से तो चाहिए ना। ये कौन सा नया रूल निकला पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं। ऐसा तो अपने बोईसर में तो सारा जो भी टेम्पो वेम्पो रहेगा सबको गार्ड है। क्या डाल रहा है? पानी डाल रहा हूँ, आसानी से खुल। रिंकू कहाँ पे गए? बाहर गए। हमेशा कभी भी देखो बाहर, क्या बड़ा आदमी हो गया क्या बाहर जा रहा है? तो क्या शर्मा रहा है? ये शर्मा रहा है। बहुत ही कठोर तपस्या के बाद एक नट खुल गया है। बाकी मुझे पहले लगा ना तू पेट्रोल या ऐसा कुछ डाल रहा है क्या वो, क्योंकि पूरा जंग लगा हुआ जैसा है ना। और ये लड़का शर्माता है मतलब लगाया तभी से ही, उसको कुछ नहीं किया है जैसा है वैसा है। पहली बार वो घुमा है, सॉरी दूसरी बार, पहली बार फिटिंग के टाइम पे अभी ये लूज हो गया। हाँ कसम उसके अंदर वो चिखल विकल देखना। तो जितना साल हुआ है गाड़ी को, शायद से 7 या 8 साल, उसके बाद दूसरी बार ये नट बोल्ट को हाथ लगाया तो एक टूट गया। कभी हाथ ही नहीं लगाया ये नट बोल्ट को। तो 1000 करोड़ साल के बाद हमारा गार्ड निकल चुका है। भाई ने बहुत मेहनत किया और ये बच्चे ने भी अभी भी शर्मा रहा है। इतना देर कैमरा के सामने आने के बाद अभी भी शर्मा रहा है। शादी के टाइम पे क्या करेगा रे? सच में शादी के टाइम पे कैमरामैन मैं ही बनूंगा तेरा। कह रे मेरे को बुला, ए छोटे उसको क्या बोलते पूरा नट बोल्ट पूरा गंजेड़ी हो गए बाप रे एक नंबर गंजेड़ी नट बोल्ट। सो गार्ड को मुश्किल से इसके अंदर घुसा के रखा है, तो मेरे हिसाब से ये तो मुंबई नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर ये मुंबई जा पाएगा तो बाकी सब घर पे रह जाएंगे। तो इसको मेरे घर पे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जगह नहीं होगी। सो ये वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया रहेगा और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिला रहेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगी तो क्या करना है, लाइक। ओके, सजेशंस के लिए कमेंट करना है और नए रहोगे तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।